फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हो मेरा मेकअप, देखो इधर से, इधर आ जाइए मम्मी, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, क्या मेकअप किया है यार। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। अरे यहाँ देखिए दीदी, यहाँ देखिए कितना सुंदर आ रहा है। सिर्फ ये लाइट लगा है, पता है ये इसी में है पहले से ही, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है अभी। और फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ शूट के लिए, ठीक है। इधर मेरा देखो डांस बैकग्राउंड, आप लोग बोल रहे थे ना कि घर में ही आप डांस वीडियो बनाओ, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो जैसे तैसे मैंने एडजस्ट करके ये बैकग्राउंड बनाया है। तो देख लो मेरा बैकग्राउंड, कमेंट में बताइएगा कि कैसा है, ठीक है। पूरा मतलब अब क्या कर सकते हैं, जो भी है उसको एक्सेप्ट करके करना ही पड़ेगा। और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा ये बैकग्राउंड सच्ची में। दीदी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी हाय बोल दीजिए और बोल दीजिए कि सपोर्ट करें सब। रुको रुको, टाइम लगेगा। पता है कुछ स्पेशल बातें ऐसी होती है ना कि टाइम लेके इंसान बोलता है, लेकिन ये भी सही है कि बोलो तो रुक के ही बोलो, पर सही बोलो। बोलिए बाबू, रो लोग सही है हमका है जो मानते नहीं, मेहनत करती है जब यहाँ तक ले लिया ही बनी लोग तैयार हूँ अभी तक बनाई हुई कहे से जो बाहर ही निकलो दिए तो तरह तरह से लोग बात बोलत हमारे भी खराब लगता। मन देनी ये यही लड़की एगो नहीं बनाओत, हजारों लड़की बिहार में बनाओ तेरी से, लेकिन एक ऊपर कहीं गलत कमेंट ना होता। ये सुनता नहीं मन देनी हमारे खराब लगता। यहाँ बानी से ताहे के लड़की बहुत लोग बा, लेकिन वो लड़की के ऊपर कोनो कमेंट गलत नहीं किए, ये लड़की पर कहीं होता। यह सुने में लगता तो हमारा खराब लगता है जब यहाँ तक ले रह लोग लिया दिले बनी दौड़ी चौंपा दी लोग आगे जे अपन बढ़िया तेरे अच्छा से बनी है रही है जो कोई के कहे के मौका ना मिली गलत ऐसे गलत गलत बात लिख लो तो अच्छा नहीं है लगत। अपन घर अपन अथी नहीं थे ना, केहू आदमी रेंट पर बाहर रहता गुजारा करता, हर तरह से बात ये गलती है लिख लो रहते जगह जगह। अब रहुआ लोग के हम कहे जे इनकरा के आगे बढ़ाई लोगिन अच्छा से अपन निकल जा जे अच्छा जगह मिल जा वहाँ लोग इज्जत करे और रहुओ लोग इनके इज्जत करे ना। ये नहीं कहे जे नहीं के एगो इज्जत करे, रहुओ लोग मानते नहीं यहाँ के रक्षा करे लोग आगे बढ़ाए लोग तो रहुओ लोग इनके रक्षा हुई, ये हमारा आशीर्वाद बा। फ्रेंड्स पता है आजकल ना मतलब मेरे कपड़े को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ना मुझे कमेंट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे। और देखो मेरी मम्मी, ये बस इनको ये लग रहा है ना कि सिर्फ यही नहीं बना रही है, बहुत सारी लड़कियां बना रही है। तो बोल रहा है तो सबको बोलो, सिर्फ एक को पकड़ के मत बोलो ना। और देखो मेरी दीदी कहाँ बैठी है। पता है हम फैमिली को क्यों नहीं उतना लेके आते, खासकर मम्मी पापा को, ये दोनों आएंगे ना तो मतलब रोने लगेंगे। ये बहुत स्ट्रांग है, देखिए किधर बैठी है दीदी। चलिए शूट करने, चलो आराम से बैठिए। बाप रे, क्या अभी आप भी कुछ बोलेंगे क्या? क्या बोले, हम तो रोज ही ना बोलते हैं, बोल रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए आप लोग ताकि ये आगे बढ़े और ऐसा अपना खुद का डांस बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, खुद का डांस बैकग्राउंड हो जाए उसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है। नहीं तो ये सब तो हमेशा टूल जाता है कि यहाँ से इसको निकलवा देंगे, वहां से निकलवा देंगे, वो यहाँ बना रही है यहाँ से इसका बैकग्राउंड छुड़वा देंगे। तो ऐसा ना हो, खुद का बैकग्राउंड होगा तो उन लोग का कुछ भी जो करना होगा सब करेगा, अपने घर पे करेगा। मेरा खुद का रहेगा तो ऐसा रहता है ना कि मेरा खुद का है भाई, कौन निकालेगा मुझे यहाँ से। तो वही सारी चीजें है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोग इसका मेहनत देखिए, अभी फिलहाल ये बना रही है यहीं पर वीडियो। आप लोग बोल रहे थे ना कि कत्यानी तुम रूम में बनाओ, हम देखेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग अपने बात पे डटे रहिएगा और बदलना नहीं है, ठीक है, कि जाओ बाहर ये वो, और इसे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे बढ़ सके। और मामी आई है हमसे तो चिढ़ रही है।
तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा पूरा लुक देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और मैं जा रही हूँ अभी शूट करने, तो देखो पूरी कोशिश की जाएगी यार कि एकदम अच्छा शूट हो जाए। तो बाकी आप लोग ब्लॉग में आगे तक बने रहो, और जो भी मेरी फैमिली बोल रही है ना उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और जो लोग परेशान कर रहे हैं भगवान उनको बुद्धि देना कि वो अगर इंसान है तो दूसरे मतलब सामने वालों को भी, जो भी सामने खड़ा है उसको भी इंसान समझे ना दीदी, बस यही मैं कहूंगी। बाकी आप लोग आगे तक बने रहना, ठीक है। जितना समय आप लोग दूसरे में देते हो आप लोग भी उतना ही मेहनत करो। अगर ये निकल रही है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ, अगर इसके अंदर डांस का कला है तो आप लोग खुद सोचो कि आप लोग के अंदर तो कुछ ना कुछ होगा ना। ऐसा तो नहीं भगवान के हर किसी में। अरे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना फ्रेंड्स, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है डांस के अलावा, सच्ची में कुछ नहीं है। और जो लोग मुझे परेशान करते हैं ना उनके पास बहुत कुछ है। बहुत लकी हो आप लोग, बहुत लकी हो सच्ची में, सब कुछ है आपके पास। किसी के पीछे पढ़ के किसी के पीछे मत पड़ो, आप अपना काम पर फोकस दो। यार इतने अमीर हो आप लोग, इतने ज्यादा पैसे है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, अच्छा है ना, देखो ना कितना है तुम्हारे पास, कितना लकी हो, तो उसका फायदा उठाओ और जियो ना। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं टायरा टीका क्या हो गया है देखो, और पता है शूट हो गया है तो बहुत जल्द वीडियो आएगी, सपोर्ट करना। और ये देखो मेरी इयररिंग्स, ये दुर्गा पूजा में मैंने खरीदा है मेला में। बताना कमेंट में आप सभी को कैसा लगा, और बहुत ही बड़ा है देखो। और ये देखो चूड़ी, और ये टायरा टीका, बिंदी, लिपस्टिक, मेरा ड्रेस। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और मुझे पता है बिच्छी ने क्या किया, डंक मारा ना। हाँ डंक मारा है रात को, पता है 2:30 बजे सारे लोग सोए हुए थे, दीदी और मेरा भाई भी, वो पता नहीं कहाँ से आई और डंक मार के वहीं पे बैठी थी। है इतना साफ जगह, पता नहीं 2 दिन से। और देखो पूरे घर तो जो है एकदम साफ है, देखो क्लीन है, इतना क्लीन को जब बीछे यार साफ हो गया, देखो पूरा साफ है घर, देखो फिर भी पता नहीं कहाँ से बीछी आ गई वहां। और पता है हम लोग यहाँ पे सोते हैं लोग, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सोई थी बीच में, तो यहीं पे आके ना मेरे पास में थी, और जब डंक मारी तो मैं एकदम उठ गई अचानक से, उठ गई या उसको बाहर लेते गए, फिर क्या आप सो गए या किसी को, सारे लोग सोए हुए थे, 2:30 बज रहा था एकदम। बताओ ले जाके बाहर फेंकिया है इसको देखने के बाद। इतना भी डर नहीं है कि कहीं रात में कुछ हो गया होता, क्या पता क्या हुआ होता, हम लोग को पता ही नहीं है। ये आराम से सो गई है, सुबह बोल रहे कि हमसे बताए सुबह में खाना बना रहे थे तब बताए हमको 8-9 बजे कि ऐसा ऐसा हुआ है। इतनी बड़ी थी तुम नींद के चक्कर में सब की बताओ ना फ्रेंड्स कमेंट में क्या करूं, क्योंकि मेरा जो ये वाला हाथ है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ पे इधर पीठ पे टंक मारी है तो पूरा फूल गया है, लाल हो गया है, और ऐसा लग रहा है ना कि नीम का पत्ता वगैरह खाया है। देखिए मेरा शरीर ही गर्म हो गया है। हाथ सूज गया, मम्मी से फोन लगा के पूछे इसका, तो मम्मी भी नहीं आ रही है छठ पूजा से। फ्रेंड्स मेरी मम्मी घर पे गई है, और आज छठ पूजा है ना, आज भी व्रत है, कल भी, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएंगी।
देखवे दी एतन तो रखे देला को बाद ही नहीं खान जो कावे